अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे ये वीडियो दूसरे लोग भी देख सकें। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको चले जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाना है, फिर यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है हैकर्स कीबोर्ड। हैकर्स कीबोर्ड, उसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। देखिए हो रहा है, इंस्टॉल हो गया, बस इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड मेरा हो गया है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको हैकर्स कीबोर्ड को ओपन करना है, फिर इनेबल कीबोर्ड पर क्लिक करना है और हैकर्स कीबोर्ड को ऑन कर देना है। फिर सेट इनपुट मेथड में हैकर्स कीबोर्ड को टिक कर देना है और सेटिंग पे जाके आपको यूज परमानेंट नोटिफिकेशन को टिक कर देना है। वीडियो थोड़ा फास्ट होगी, आप स्लो करके देख लीजिएगा। अब आपको गेम में जाना है, अपने गेम में, और अब गेम में जाने के बाद आपको क्या करना है, लेकिन मैं रिज्यूम करता हूँ। आपको क्या करना, सीधे ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगी सो हैकर्स की, वो इस पर क्लिक करना। आप जो चीट अप्लाई करना सकते हैं वो चीट आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मुझे चीट्स नहीं पता हैं, आप गूगल में जाके, प्ले स्टोर में जाके जी डी सैन एंड्रॉइड चीट्स देख सकते हैं। क्या करना, फिर से बता, सो हैकर्स की वोट दबाना है, कोई भी चीट आपको अप्लाई करना है और इसके बाद ये रिमूव ऑप्शन आप दबा देना है। वो चीट आपकी अप्लाई हो गई, थोड़ा बहुत हीलेगा लेकिन उसे करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।